बार कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास रन बनाने का। डॉट बॉल जाती हुई, धीरेश गौर जी बता रहे हैं कि तीन टीमें चकोटे से आई हैं, तीन माइथान से आई हैं और तीन सल्याणा से आई हैं। धन्यवाद जानकारी के लिए धीरेश गौर जी आपका। फिर आदेश बनाए, लेकिन बेहतरीन गेंद इस बार, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हालांकि एक तेज शुरुआत की जरूरत है यहां पर माँ उल्का देवी को। तीन हरियाणा से भी आई हुई है, हाँ ये सुनने में ये भी आया है। फिलहाल गेंदबाजी असमंद आया, ये गेंद बेहतरीन गेंद, लगातार बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं पहले ही ओवर में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, टीम का योग मात्र एक रन। खाते में जाता हुआ, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सुमन अब पहले ओवर में। चाहे हाथ ओवर निकली गेंद, इस बार बैक फुट पे जाके इस गेंद को हल्के हाथों से धकेला भर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन से खाता खोला यहां पर बल्लेबाज ने। आयुष ने पांच गेंदों का सामना करने के बाद एक रन बनाया है और टीम का योग जा पहुंचा है दो रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि नवीन होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पे। बारह ओवरों के मुकाबला खेला जा रहा है। यशवंत तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, नवीन स्ट्राइक पे ही समय। दाएं हाथ और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन इस समय मैदान पे देखने को मिल रहा है। बेहतरीन गेंद थी इस बार भी यशवंत की। एक और डॉट बॉल आती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, टीम का योग दो रनों पे अटका हुआ बिना किसी नुकसान के। यशवंत अपने ओवर में एक बार फिर तैयार हो रहे हैं नवीन के लिए। अच्छी गेंदबाजी, मात्र दो रन खर्च किए अपने पहले ओवर में, अच्छी शुरुआत कही जा सकती है जीतीय विद्युत विभाग के लिए। मात्र दो रन खर्च किए, एक रन बल्ले से बना है और एक वाइड के रूप में आया है। टीम का कुल योग दो रन है, कोई नुकसान अब तक माँ उल्का देवी सल्याणा को नहीं हुआ है। एक अच्छी शुरुआत, क्या नाम बताया, विमल आए हैं पारी का दूसरा ओवर लेकर दूसरे ओपनर गेंदबाज के रूप में, जबकि उनके सामने होंगे इस समय आयुष। दौड़ना प्रारंभ किया गेंदबाज ने, बेहतरीन गेंद और बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर मौका गंवाया, चांस जरूर था यहां पर विद्युत विभाग के पास, लेकिन सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज वापस अपने कदम खींचे, अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुंचे दोनों बल्लेबाज। कोई रन नहीं मिला, डॉट बॉल जरूरी, अभी दो रनों पे बिना किसी नुकसान की। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है इस समय। आयुष और नवीन की जोड़ी इस समय मैदान पे है। एक धीमी शुरुआत जरूर कही जा सकती है, लेकिन एक मजबूत शुरुआत भी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। बेहतरीन गेंद, एक और डॉट बॉल जाती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 12 ओवरों का यह मुकाबला खेला जा रहा है। फिलहाल गेंदबाज आए, बेहतरीन गेंद, एक बार फिर लाजवाब गेंदबाजी हो रही है। हालांकि बल्लेबाज प्रयास जरूर कर रहे हैं रन बनाने का, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। पूरन राव जी आपको भी नमस्कार, लेकिन धैर्य रखना होगा बल्लेबाजों को थोड़ा सा।
शुरुआती ओवरों में जोखिम कम लेना होगा। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार भी कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक और डॉट बॉल जाती हुई। हालांकि वाइड मांगना चाह रहे थे बल्लेबाज में, नकारा अंपायर ने। फिलहाल गेंदबाज तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद, लगातार बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, लगातार डॉट गेंदें फेंक रहे हैं जिससे कि बल्लेबाज थोड़ा दबाव में आ सके। विमल तैयार, विमल आए। ये गेंद इस बार बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से, ये मैच विद्युत विभाग बनाम सलाना के और मैदान ओवर समाप्त होता हुआ और विद्युत विभाग ने बैटिंग खर्च नहीं किया अपने ओवर में। विमल ने समय दो ओवरों की समाप्ति पे दो रन बने हैं बिना किसी नुकसान। 12 ओवरों में विद्युत विभाग ने 73 रन बनाए, 70 रन बनाने हैं 72 गेंदों पे। सलाना को आगे क्या रन बनाने का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटर तैयार हैं, मिस्टर जेपी। आइए जी, सलाना की पहले ओवर में ही मैडन ओवर दो ओवर समाप्त हुए और दो ओवरों में दो रन बने हैं, 173 रन 174 रन जीतने के लिए। गेंदबाज दूर वाले छोर से अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार और ये बोल आउट। बहुत ही शानदार गेंद ब्लॉक होल में डाला इस समय और जो एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है लेग स्टंप पर बल्लेबाज के लिए, उस पर ये गेंद आई। बल्लेबाज सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश जरूर की थी लेकिन वहां पर नीचे रहती, इस गेंद पर बोल्ड आउट होकर पहला विकेट गिरा है उनका, देवी सल्याना की टीम का। और बिना खाता खोले बल्लेबाज वापस पेवेलियन में, सलामी बल्लेबाज नवीन। और इसके बाद पड़सारा जो दूसरा मैच है वो बहुत ही रोचक मुकाबला है फनियाल स्पोर्ट्स क्लब और एफसीसी गैटसन के बीच। हम सब जानते हैं कि फनियाल स्पोर्ट्स के पास बहुत ही शानदार बल्लेबाजी है, श्रीनगर और देहरादून से उनकी टीम संयुक्त रूप से मजबूत होकर के आई है और दूसरी ओर एफसीसी के जो खिलाड़ी हैं वो रामनगर से हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि श्रीनगर रामनगर का मुकाबला इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। अगर सलियाना इस मैच को जीतती है तो नरेंद्र रावत को यूट्यूब पर हमारे मुकाबले को देखने वाले दर्शक कह रहे हैं कि 500 रुपयों का उनकी ओर से सलियाना को पुरस्कार मिलेगा। हरीश आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, हमारे दोनों ही अंपायर श्री संजय नेगी और श्री नरेंद्र शाह इस समय मैदान पर इस मैच को आगे बढ़ा। अगली गेंद और एक बार फिर से बढ़िया गेंद थी इस समय, खूबसूरत। वास्तव में अगर सलियाना जीतती है तो बहुत बड़ी बात। अगला मुकाबला जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो एक मातराहस के दिन का काफी आकर्षक मुकाबला, महामुकाबला जिसमें फनियाल स्पोर्ट्स क्लब और एफसीसी गैटसन के बीच का मुकाबला, जो दूसरा मुकाबला आज के दिन का। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद फिर से बेहतर गेंदबाजी, लगातार गेंदों में बल्लेबाज को खामोश रखा है इन गेंदबाजों ने। बिजली विभाग की जो टीम है बहुत ही इनमें जी हाँ पूरे अर्थ फेस पूरे सही ढंग से काम कर रहे हैं इस समय। अच्छे ट्रांसफार्मर है और ये गेंद हवा में, वहां पर एक क्षेत्र रक्षक नीचे है लेकिन एक आसान सा दिखने वाले कैच को ड्रॉप किया है और जी सही आकर जंपर उड़ गया था ट्रांसफार्मर का लेकिन कहना होगा कि थोड़ा सा काफी ऊंचा था और सख्त हाथों से पकड़ते हैं, अधिकांश तो क्षेत्र रक्षक अपने हाथ को धीमा नहीं छोड़ते हैं। इनामों के जगह लगे संतोष सिंह ने भी कहा है कि 1000 रुपए देंगे अगर जीतती है मैच। इस समय ऑन साइड पर खेल का एक रन लिया संतोष पटोड़ी से जो दर्शक इसको देख रहे हैं। सलियाना के जीतने पर 1000 रुपये का पुरस्कार उन्होंने भी घोषित किया है यूट्यूब पर, जो संदीप पंत ब्लॉग पर इस मैच को देख रहे हैं दर्शक काफी इन्वॉल्व हो चुके हैं। और अगली गेंद थी एक बार फिर से बेहतर क्षेत्ररक्षण वहां पर, जब तक इस गेंद को फील्ड करते विकेट कीपर एक रन के लिए दौड़ लगाई।
25 एक रन की मदद से टीम का कुल स्कोर पहुंचा। राजस्थान से देख रहे हो मैच संतोष सिंह, 4 रन संतोष सिंह राजस्थान से देख रहे हैं मैच। राजस्थान से इस समय संतोष सिंह इस मुकाबले को देख रहे हैं। कहना होगा कि पूरा एक लोकप्रिय ये लीग मैच चल रहा है, इसमें एक टीम मजबूत है एक कमजोर क्षेत्रों को मिलती है। दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं। का जो मुकाबला है वो बहुत मजबूत टीमों के बीच में आप बने रहे, थोड़ी देर में दूसरा मैच चलेगा। नौकरियों के लिए गए हैं दुबई से, फिलीपीन से और इसके अलावा भी कई एक यूरोपियन देशों से इस मुकाबले को देख रहे हैं। काफी संख्या में दर्शक, लगभग हर मुकाबले में 10,000 से 15,000 का व्यूज, इतने व्यूअर्स हमको मिल जाते हैं। गेंदबाज विमल इस समय 4th ओवर लेकर के इनिंग्स का तैयार। इस मुकाबले में तो कम हो सकता है लेकिन इसके बाद के मुकाबले में डॉक्टर राजेश गैड़ी जी ने गुड्डू भाई के पर छक्के में दे रखे हैं इनाम। डॉक्टर राजेश गैड़ी जी ने गुड्डू भाई के प्रत्येक छक्के पर ₹50 के पुरस्कार की घोषणा ऑनलाइन की है। और अगली गेंद और अपील आउट हनियाल जी के बीच होगा। बाहरी किनारा लिया था गेंद ने, बल्लेबाज खुश नहीं है लेकिन वहां पर जरूर देखा होगा सीधी टकराई थी गेंद, लीडिंग यूज लिया था इसने, विकेटकीपर ने कलेक्ट किया। ये दूसरा झटका 4th ओवर में लगने वाला, इसके बाद के मुकाबले जो होने हैं। गौरव मोनू को पकड़ लगा तो पावर बैंक कृपया, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं सचिव साहब तो पावर बैंक की व्यवस्था की जाए। संदीप पंत द्वारा उनको पावर बैंक के लिए आवाज दी जा रही है क्योंकि ऑनलाइन जो दर्शक देख रहे हैं उनको बड़ी खासा परेशानी होती है जब मैच डिस्टर्ब होता है, बीच में रुकता है। नरेंद्र राव जी का मैसेज आ रहा है कि आज बैटर रखना की, कल मैच बंद हो गया था ना, आप दो मैच चला रहे तो बैठे ही। हमारे YouTube पे देखने वाले दर्शकों का विशेष आग्रह है कि आज के मैच को व्यवधान पैदा ना हो। बैटरी मत करना और खत्म यार। कौन है वो? नरेंद्र रावत कौन है? फनियाल स्पोर्ट्स क्लब की टीम पहले ही पहुंच चुकी है और इंतजार है अब फ्रेंड्स क्लब के कप्तान की कि दोनों टीमें इसके बाद का जो मुकाबला है उसके लिए तैयारी कर लें और नामावली की सूची अगर हम तक पहुंचा भी देते हैं तो अच्छी बात है क्योंकि तुरंत तत्काल प्रारंभ हो जाएगा। हो सकता है कि आयोजन समिति उस मुकाबले को 15 ओवर का भी कर ले, लेकिन जो भी आज मजा आएगा दूसरे मुकाबले में। जी हाँ, दर्शकों को बहुत इंतजार है उस मुकाबले का। उपलब्ध नहीं है लेकिन हमने सचिव साहब से कहा गेंदबाज ने वो छक्के दिए तो वो बल्लेबाजी के लिए आए तो बदले की एक तरह से पूरी देखना है कि बदला ले पाए नहीं ले पाते हैं। विमल लंबा रन अप राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद और खूब क्लच शॉट वहां पर देखना, पकड़ पाते नहीं और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस समय दो खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद और दोनों में थोड़ा सा तालमेल का अभाव, एक दूसरे की तरफ दौड़े, गेंद बीच में पड़ गई, पहली गेंद पे बदला ले लिया है। जी हाँ, 5 छक्के लगाए थे विमल ने जब ये बल्लेबाज गेंदबाज था और एक चौका लगा चुके हैं और दूसरे गेंद पर भी स्टीयर किया है, देखना रोक पाते नहीं लेकिन वहां पर एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 9 रन पर, अभी भी काफी धीमा रन औसत है। खीम भाई नमस्कार, धन्यवाद। यूट्यूब पर इस मुकाबले को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के दिन का दूसरा आकर्षक मुकाबला कुछ ही पलों के पश्चात प्रारंभ होगा। इस मैदान के ऊपर तेज हवा बह रही है, मौसम में आज भी कोई तब्दीली नहीं है लेकिन अगर आप इसकी उत्तर दिशा की ओर देखें तो पहली बार इतने घने बादल देखे जा सकते हैं मैदान के ऊपर। और एक खूबसूरत शॉट, समय बहुत ही शानदार लाजवाब स्ट्रोक 4-6 रनों के लिए, सीधे हवाई यात्रा पर भेजा इस गेंद को। हरीश ने इस छक्के की मदद से टीम के स्कोर को पहुंचाया 2 अंकों पर, 15 रन कुल टीम का स्कोर 2 बल्लेबाजों के नुकसान के पश्चात।
जो भी हमारे ग्राउंड्समैन है कृपया बॉल पर नजर रखें ताकि गेम तत्काल प्राप्त हो जाए, व्यवधान पैदा न हो, क्योंकि इसके बाद का मुकाबला हमने तुरंत प्रारंभ करना है। उस मैच के लिए काफ़ी संख्या में दर्शक यहां पर जुटेंगे। कल हमने देखा शेरावत ने कितनी शानदार बल्लेबाजी की थी कल शाम को, और बहुत संख्या में दर्शक यहां पर आए थे उस मुकाबले को देखने के लिए। जो भी ये कहूँ कि कल महावीर रावत की जो टीम थी उसके समर्थक बहुत ज़्यादा थे। हालांकि वो मैच जरूर हारे हैं, लेकिन दिल जरूर जीते हैं उन खिलाड़ियों ने। क्षेत्र रक्षकों से भी हमारा निवेदन है कृपया आप बॉल तक जरूर पहुंचे। अरे गोताखोर जाओ। बिल्कुल सही कहा आपने। श्री रघुवीर सिंह जी द्वारा बलवीर सिंह जी को प्रत्येक छक्के पर 100 रुपया प्रत्येक छक्के पर 100 रुपया दिया जाएगा रघुवीर सिंह जी के द्वारा। अभी अभी एक छक्का लगा है तो 100 रुपया जमा हो रहा है जी। विमल तैयार अगली गेंद को फेंकने के लिए, जो फील्ड पोजीशन रखी गई है विकेट कीपर विकेटों के पीछे, और लगातार तेज हवा के कारण बैल्स गिर रही हैं जिससे स्क्वायर लेग अंपायर को थोड़ा तकलीफ है। और पहली बार हवा का रुख इतना तेज हुआ है, 6 बॉल पर 6 छक्के पड़ चुके हैं, तो रहा है जी हां जी हां, पूर्वानुमान आपके द्वारा क्या नाम दिया जाएगा कुछ ही दिनों में आने वाली है, मौसम बनने वाला है, प्रेशर बन रहा है। और हैट्रिक पे भी आपने इनाम रखा था, कल हैट्रिक भी बनी है इस मैदान पर, तो सही मौसम का प्रेशर में बनना है जेपी। ये अगली गेंद, ये परसारा ली निना इफेक्ट और एल निनो इफेक्ट दो प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियां बनती है, जो महासागर है जहाँ से ये हवा बहती है जो नमी युक्त होती है जिन कारण से बरसात होती है, उनमें औसत तापमान जब समुद्र का कम ज़्यादा हो जाता है उस आधार पर साइकिल टूट जाता है। इस साल बहुत ड्राई बीता है पूरा सर्दियों का समय, और ऑन साइड पर खेला फाइनल की तरफ, 1 रन के लिए तेज दौड़ लगाई, 1 रनों से कोई परेशानी बिजली विभाग को होगी नहीं। ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर की समाप्ति पर इस तरह से कुल टीम का स्कोर पहुंचा 16 रन 2 बल्लेबाजों के नुकसान के बाद। इनिंग्स का 5वां ओवर दूर वाले छोर से प्रारंभ हुआ, और इस छोर पर कमेंट्री के लिए आइए मनमोहन प्रसारक। विनोद पुरोहित जी आगे हैं, बोलना आप चुके ही बोलना ऑनलाइन। धन्यवाद जी भी हमारे बीच ऑनलाइन विनोद पुरोहित इस समय जुड़े हैं फिलीपींस से, तो हैट्रिक तो बन गई है बोल रहे जी है, लेकिन संदीप पंत जी उनसे मैसेज करिए कि पूरा टूर्नामेंट में है, कह रहे जी पूरे टूर्नामेंट में जो मारेगा 6 बॉल 6 छक्के। अच्छा, पूरे टूर्नामेंट में जो 6 छक्के मारेगा उसको 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। 6 लगातार गेंदों पे मतलब युवराज सिंह बनना होगा। हरीश पंकज आए हैं गेंदबाजी में, ये गेंद हरीश के लिए, और इस गेंद को बेहतरीन ढंग से खेल दिया है, गेंद बॉडी लाइन से बाहर जाती हुई। हरीश इस मैच को जिताते हैं तो 1,000 रुपये के नाम संतोष सिंह देंगे। अगर हरीश इस मुकाबले को जिताते तो 1,000 रुपया संतोष सिंह नेगी उनको देंगे, जो कि राजस्थान से इस मुकाबले को देख रहे हैं, ऐसा ऑनलाइन उन्होंने कमेंट किया है हमारे यूट्यूब चैनल पर। संतोष सिंह भाई जो खास फैन है, टीम का कुल योगदान पहुंचा है 22 रन पे, 2 खिलाड़ियों के नुकसान। विनोद भाई 5 बॉल 5 छक्के 1 चौका पड़ा था, उन्हें कुछ देंगे आप? तैयार ये गेंद, मतलब 6 बॉल पे 5 छक्के और 1 चौका पड़ा, 8 बॉल जाती हुई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। अरे यहाँ तो सुन भाई, इसके बाद का जो हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है वो फन्याल स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस एफसीसी के बीच, बेहतरीन गेंद इस बार थर्ड बैन की दिशा में, और अंतिम क्षणों में इस गेंद पर रोका है, और वाइट गेंद जरूर आई है, और बाई के रूप में 2 रन जरूर मिले, लेकिन तारीफ करनी होगी थर्ड बैन के क्षेत्र रक्षक की। बलवीर सिंह आ गए हैं पर छक्के पे 100 रुपए, ओ भाई ये जो खेला बलवीर के लिए पर छक्के पे 100 रुपए का इनाम रखा गया है रघुवीर सिंह के द्वारा। वीरों के वीर वाइट गेंद के साथ आता हुआ, एक वीर
मैदान पे हैं और दूसरे वीर हमारे कमेंट्री बॉक्स में कह रहे हैं यहाँ पे समर्थक की अगर ये टीम जीतती है सल्याणा की तो 10,000 रुपया श्री भरत सिंह जी ग्राम सल्याणा इस टीम को देंगे। इनामों की झड़ी लगी है ये भी, लेकिन जीतना होगा। बेहतरीन क्रिकेट इस समय देखने को मिल रही है हमारे दर्शकों को, इस समय बेहतरीन फील्डिंग, इस समय मात्र 1 रन मिला यहाँ पर बल्लेबाजों को। टीम का योग जा पहुंचा है 26 रनों के ऊपर, जबकि पारी का इस समय 5वां ओवर प्रगति पे है। पंकज तैयार, ये गेंद पंकज की और बेहतरीन ढंग से खेला इस गेंद को हेलीकॉप्टर शॉट के रूप में। महेंद्र सिंह धोनी जिस प्रकार से खेलते थे वो शॉट मुझे नजर आ रहा है जीती समय। टीम का योग जा पहुंचा है 30 रनों पे। हालांकि हल्के में नहीं लेना होगा जेपी ये मुकाबला, ये लोकल हीरोज हैं जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये जीरो से हीरो बन सकते हैं। ये गेंद बेहतरीन गेंद थी इस बार, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल जाती हुई। कभी कभी ऐसा होता है कि आए हुए मेहमान ढेर हो जाते हैं और फिर नजर आते हैं लोकल हीरो। एक और लाजवाब छक्का आता हुआ बल्लेबाज के द्वारा, टीम का योग जा पहुंचा है 36 रनों के ऊपर। 24 रनों पे खेल रहे हैं हरीश, 3 छक्के और 1 चौके की मदद से बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और हर छक्के पे 100 रुपए का इनाम रखा गया है। मैच जीते तो 2,000 रुपए देंगे विनोद त्रोही, अगर बैटिंग करने वाले जीते हैं तो 2,000 रुपए विनोद त्रोही। अगर सल्याणा ये मुकाबला जीतती है तो विनोद त्रोही के द्वारा जो फिलीपींस से इस मैच का सीधा प्रसारण देख रहे हैं उनके द्वारा 2,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। विनोद भाई आप छा रहे हैं ऑनलाइन घोषणाओं में, हालांकि गेंदबाजी में तब्दीली की गई है, किस्मत में नहीं है फिलीपींस के पैसे यहाँ के लोगों के, लास्ट दिन आप कमेटी को ही कर देना था सहयोग, जबकि उनके सामने होंगे समय बल्ली। तो लोकल टीम सल्याणा की काफी ऑफर उनके पास आए हैं, ढेर सारे ऑफर आए हैं। ये गेंद अच्छी गेंद नहीं लगी, सम से बाहर निकली ये और वाइड गेंद का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा, एक और रन उनके खाते में आता हुआ 80 रनों के रूप में। टीम का योग जा पहुंचा है 37 रनों के ऊपर, 2 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान भी। माँ उल्का देवी सल्याणा 174 रनों का पीछा करती हुई 72 गेंदों में। गेंदबाज तैयार, हमें प्राप्त हो चुके हैं। मनोज मनोज क्यों नाली खुड़मी हो, ठीक टीम का योग जा पहुंचा है 43 रनों के योग पर। 100 रुपए तुमने क्या बोला, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। खबरों से हमारा निवेदन है कि क्या आप ऑनलाइन ड्यूटी पर रहे, फिलहाल गेंदबाज तैयार दीपक। ये गेंद वाइड गेंद का इशारा आता हुआ, टीम का योग जा पहुंचा है 44 रन। पारी का इस समय 6वां ओवर चल रहा है, नो बॉल। संतोष अगर हरीश मैच जिताते हैं तो उनकी तरफ 2,000 रुपए इनाम देंगे बोले संतोष सिंह, बता दिया। वाइड बॉल का इशारा जरूर आया था, फिलहाल दीपक आए। ये गेंद अच्छी गेंद थी इस बार, एक और डॉट बॉल जाती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का योग अभी भी 44 रनों पर, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है इस समय,
एक छक्का खाने के बाद गेंदबाज की समझ में आया कि एंड चेंज करना होगा। पहले ओवर में भी गेंदबाजी कर रहे थे, इस बार राउंड में भी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद और गेंद इस पार, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, सीधे स्लिप के क्षेत्र में ये कैच लपक लिया गया। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ इस समय तू आया वो आउट हुआ। मनोज पुजारी के द्वारा भी 2,000 रुपए का ऑफर रखा गया है सलियाना के लिए। ऑनलाइन ऑफर, अगर सलियाना ये मुकाबला जीतती है तो मनोज पुजारी के द्वारा 2,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। हालांकि घोषणा तो बहुत लंबी हो चुकी है, आप नाराज मत हो, लेकिन ये भी मैं देख रहा हूँ कि जो लक्षण है वो ठीक नहीं लग रहे हैं। कैच करने वाले क्षेत्र रक्षक का नाम कृपया अंपायर हम तक सुना दे, नितिन के द्वारा ये कैच लपका गया। नितेश हिमांशु आए हैं, प्रियांशु आए हैं नए बल्लेबाज, और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ सलियाना का इस समय मारुल का जी भी 44 रनों के ऊपर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, पनियाल स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ी मैदान की ओर रुक करते हैं। बहुत रोमांचकारी मैच होगा, आपको दिखाया जाएगा। बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं शुभमी जी, आपके 500वें घोषणा है हम बता दें। बिल्कुल तरोताजा होकर के फ्रेश होकर के वो होटल से निकले हैं अभी। शुभमी जी आप कहाँ से हैं, जरा गाँव का नाम लिखना। बेहतरीन गेंद इस बार, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल जाती है। टीम का योग 44 रनों पे अटका हुआ 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। गेंद इस बार बेहतरीन शॉट खेला है, कवर बॉन्ड के ऊपर से 6 रन खेले और 50 रन भी पूरे होते हुए माहौल का देवी सलियाना का स्कोर इस समय 6 ओवरों की समाप्ति पे 3 का कुल योग है 50 रन। आगे क्या कुछ होगा, आगे 2 ओवरों के लिए मेरे साथी कमेंटर का तैयार है मिस्टर जेपी, आइए जेपी। धन्यवाद मनमोहन प्रसारा। तो 6 ओवर समाप्त हुए हैं, लगभग आधे ओवर समाप्त हो गए हैं, लेकिन मात्र 50 रन बने हैं। अर्धशतकीय पारी खेली है सलियाना ने अब तक। बिजली विभाग ने आज शानदार बल्लेबाजी की थी, 12 ओवर में 173 रन बनाए थे और उनके स्टार बल्लेबाज रहे थे आज विमल, जिन्होंने 5 गेंदों में लगातार 5 छक्के मारे, अंतिम गेंद पर चौका लगा पाए और एक खूबसूरत शॉट इस समय, लेकिन वहां पर क्षेत्ररक्षक ने दूसरे प्रयास में इसका इसको पकड़ लिया। एक बार उनके हाथ से छिटक गई थी गेंद, लेकिन दूसरे प्रयास में अपने को संतुलित करते हुए ये कैच पकड़ा। तो इस तरह से ये तीसरा झटका, ये चौथा झटका लगता हुआ जी भी, लेकिन आत्मविश्वास कहते हैं जिस प्रकार से इस कैच को लपका था। हालांकि एक बार छिटक गया था, लेकिन पुनः प्रयास करते हुए उन्होंने दोबारा उस कैच को लपका, तो सराहना करनी होगी क्षेत्र की। बिल्कुल बहुत आत्मसंयम के साथ इस समय क्षेत्र रक्षण करते हुए बिजली विभाग के एक्शन, उनके कप्तान इस परिस्थिति पर खुश होंगे, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर एक आध बल्लेबाज ठीक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दे तो गेंदबाजों में दबाव होता है और उसके बाद उनके लाइन लेंथ को उनको बनाए रखना मुश्किल होगा। इस समय जो टीम है इसके बाद के मुकाबले के लिए यहाँ पे पहुँच रही है, इसके बाद वाली टीम आप देख सकते हैं, ये खिलाड़ी सारे चंदन आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। अति शानदार खेली हुई धूप मैदान के ऊपर और इसके बाद के मुकाबले का इंतजार सभी लोगों को बहुत बेसब्री से है। हाँ, दोनों ही लोकल बॉयज यहाँ पे खेल रहे हैं, इसके बाद लेकिन मेहमान सदस्य टीमों के द्वारा खेला जाना है, तो वो खेल बड़ा सुंदर होगा, शानदार खेल होगा। गेंदबाज ने दूर वाले छोर से राइट आर्म को बदल दिया, अगली गेंद और ये टकराया बाएं हाथ के बल्लेबाज की छाती से, एक गेंद कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं,
टाइमिंग नहीं है, अभी अभी आए हैं और नए बल्लेबाज के लिए पुल और कट करना सीधे बहुत मुश्किल होता है। आपको कुछ गेंदें खेलनी होगी, आंखें जमानी होगी मैदान के ऊपर, उसके पश्चात ही आप बड़े स्ट्रोक के लिए जा सकते हैं। राइट हां मोहम्मद अभी की गेंद और अच्छा स्ट्रोक, इसमें कोई मौका नहीं, गेंद बॉल के बाहर, 6 रनों के लिए शानदार बल्लेबाजी। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 56 के ऊपर। मनोज पुजारी यहाँ पर भी हताशा इंतजार में है उस जीत का कि सल्याने का दस जीते और 2000 रुपयों का उन्होंने ऑफलाइन पुरस्कार की घोषणा की है अगर सल्याना जीतता है नगद। जी हाँ, लेकिन ये तो इस तरह है कि जैसे बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में आपका कभी भी जो हमारे दर्शक हैं वो कोई इस तरह का इनाम नहीं लगाते जो सरल चुनौती हो। अगली गेंद को कट करने की कोशिश, जब भी कभी कभी लोग मजे लेने के लिए भी इनाम लगा लेते हैं टीम पे, लेकिन होता नहीं है अक्सर। राउंड द विकेट, अगली गेंद और इस समय इसको कट करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, गेंदबाज को समझाया है कुछ अंपायर ने और वो पॉपिंग क्रीज है संभवतः उसका इस्तेमाल, कॉर्नर ऑफ द क्रीज का इस्तेमाल गेंदबाज करते राउंड द विकेट एंगल बना के करना चाहते बाएं हाथ के लिए। एक अच्छी रणनीति गेंदबाज से अगली गेंद को स्टीयर किया है कवर क्षेत्र में 1 रन के लिए और जब तक वहां पर गेंद फील्ड हो खराब क्षेत्र है कहेंगे बॉल के ठीक पीछे आते पूरा शरीर लेकर के तो तब तो पाते थे, हालांकि कोशिश जरूर की थी 30 यार्ड सर्किल के अंदर। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए टीम का स्कोर पहुंचा 60 के ऊपर, इनिंग्स का 7वां ओवर समाप्त। इसके बाद 5 ओवर का खेल शेष और उसके पश्चात फ्रेंड्स क्लब गैडसन और फनियाल स्पोर्ट्स क्लब के बीच का एक शानदार मुकाबला। खेल जारी रखें आप क्योंकि इसके बाद महा मुकाबला खेला जाना है, समय का अभाव है हमारी कमेटी के पास, तो कृपया दोनों अंपायरों से निवेदन है कि आप खेल को जारी रखें। 30 गेंदें फेंकी जानी से 113 रन जीतने के लिए और 6 बल्लेबाज सुरक्षित हैं, बड़ा कठिन समीकरण जरूर है लेकिन छोटे फॉर्मेट में विशेष तौर पे जब किसी भी गेंदबाज के ऊपर कोई भी बल्लेबाज हावी हो सकता है ऐसे में संभावना तो थोड़ा बहुत है 30 गेंदें और 113 रन बनाने हैं जी। बल्लेबाज कभी भी अटैक कर सकता है जो भी, और एक खूबसूरत शॉट लेकिन वहां पर इसको आसानी से फील्ड कर लिया जाएगा। 1 रन के लिए तेज दौड़ लगाई 29 गेंद 112 रन जीतने के लिए 6 बल्लेबाज सुरक्षित पैवेलियन में। दाया हाथ और बाएं हाथ के बल्लेबाजों का लगातार यहां पर सम्मिश्रण होने से स्क्वायर लेग अंपायर संजय नेगी को कहा काफी परेशानी है ना, और ऑफ स्टंप के बाहर इवन वाइड बॉल का इशारा 1 रन और किसी 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 62 के कुलियों पर, जीतने के लिए 173 रनों की आवश्यकता है सल्याना एकादश को। आज टॉस जीता था कप्तान कुमार रावत ने और पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया लेकिन सही नहीं घटा उनके लिए, आज काफी रन लुटाए उनके गेंदबाजों ने। विमल ने शानदार बल्लेबाजी की और एकमात्र बल्लेबाज हो सकते थे आज, बाल बाल बचे 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन सकते थे लेकिन 6वीं गेंद पर चौका लगा। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद थी, एक बार फिर से कोई रन नहीं, कोई मौका नहीं था वहां पर बल्लेबाज को रन लेने का, विकेट कीपर ने उसने मुस्तैदी से इस गेंद को फील्ड किया था। राउंड द विकेट, अगली गेंद पर फिर से बैक टू बॉलर खेला वहां पर जब तक लॉन्ग ऑन से इस गेंद को क्षेत्र रक्षित करते क्षेत्र रक्षक 1 रन के लिए बल्लेबाज दौड़े और 1 रन की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा 63 रन, जीत के लिए 110 रनों की और आवश्यकता है। अगली गेंद को खेला स्पीयर क्या थर्ड मैन पर, वहां पर क्षेत्र रक्षक है मात्र 1 रन मिलेगा, इसे 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 64 के ऊपर। लगभग हर गेंद पे चौके और छक्के की आवश्यकता है जीतने के लिए, मुश्किल समीकरण में इस समय कुंवर सिंह रावत गुड्डू जिन्होंने टॉस जीता था और पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया था। तो उस तरह से ओवर समाप्त हुआ और 8 ओवरों की समाप्ति पर अब कुल टीम का स्कोर 64 रन। 9वें ओवर की पहली गेंद दूर वाले छोर से आएगी और हमारे साथ रेखा हाल सुनाने के लिए आइए मनमोहन परसरा। थैंक यू जेपी।
24 गेंदें रह चुकी हैं और 109 रन बनाने हैं जीत के लिए। ये मैच विद्युत विभाग की झोली में जा रहा है तो देखना होगा, मैच आप देखेंगे, माँ उनका देवी क्या इन रनों को चेज कर पाती है या नहीं। भाई जी अनाउंस कराते लेकिन हमारे कमेंटेटर नाराज हो रहे, कह रहे कि ये मैच विद्युत विभाग जीत रहे हैं इसलिए कोई घोषणा ना करे, कह रहे थे आप विद्युत विभाग के लिए कोई घोषणा करें। प्रियांशु नॉन साइड पे खड़े हैं इस समय, चंदन तो नेक्स्ट मैच है, दोनों ही टीमों में बाहर के प्लेयर हैं, दोनों ही मजबूत टीम है। ये गेंद खिलाए से जरूर लेकिन बेहतरीन फील्डिंग के हिसाब से सलियाना की जीत के अनाउंसमेंट करने से सलियाना वालों को एक कटाक्ष के रूप में भी पड़ सकते हैं जो इस समय बहुत वापस अपने कदम खींचे हैं कमजोर स्थिति में। ये ऐसी स्थिति में इनाम की घोषणा करना ठीक है, यहाँ पर चांस जरूर था लेकिन क्षेत्र तक की पहुंच से बाहर, चार रन जरूर मिले, टीम का योगदान पहुंचा है 68 रनों पे। एफसीसी की टीम है, तीन विकेटों के नुकसान पे फ्रेंड्स क्लब, चार विकेटों के नुकसान पे। फिलहाल ताजू तैयार, लगभग 8% ये कह सकते हैं हम कि विद्युत विभाग ने इस मैच में पकड़ बनाई हुई है। और ये दो बल्लेबाज जो मध्य क्रम के हैं इनके ऊपर सारा आरोप मजारे समय है सलियाना का। ताजी राय ये गेंद अच्छी गेंद कही जाएगी, इस समय डॉट बॉल जाती हुई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, टीम का योग अटका हुआ 68 रनों पे, चार महत्वपूर्ण विकेटों की नुकसान पे। मध्य क्रम के बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसके बाद का मैच थोड़ी देर में प्रारंभ होगा, इसके बाद एक हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है, महामुकाबला जिसे कहा जाएगा। मिस्टर पुजारी हमारे साथ बैठे हुए हैं, स्वागत है आपका, अभिनंदन करते हैं हम अपनी कमेटी की ओर से आपका। एक और बेहतरीन गेंद डालते हैं गेंदबाज ताजवीर, बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर की थी आज। नियाल क्लब गैरसन में देहरादून के प्लेयर मिलेंगे आपको देखने के लिए, और जो एफसीसी है उसमें आपको मुरादाबाद और रामनगर के प्लेयर मिलेंगे। लगातार बढ़िया देहरादून बनाम मुरादाबाद या रामनगर लगा हुआ अगला मैच, नहीं मिल पा रहा है बल्लेबाजों के पास किसी प्रकार का रन बनाने का, खुल के आजादी नहीं मिल पा रही है खेलने के लिए। फिलहाल ताजी तैयार, ये गेंद बेहतरीन गेंद, एक और ओवर समाप्त होता हुआ, 9 ओवरों की समाप्ति पे टीम का कुल योग है 68 रन, चार महत्वपूर्ण विकेटों की नुकसान पे। माँ उल्का देवी सल्याण जो कि उनकी ये तीसरी टीम है, ए बी और सी, सी टीम है, 18 गेंदे और 105 रन बनाने होंगे, 18 गेंदों में 105 रन बनाने। कह रहा है कि अब मुश्किल है मैच में वापस आना सलियाना को, उन्होंने कहा कि ओके गुड बाय मैं चल रहा हूं। हालांकि लोकल हीरोज हैं सलियाना के, घोषणाएं बहुत हुई हैं सलियाना के लिए लेकिन विद्युत विभाग के लिए कोई घोषणा नहीं कर रहा है। एकमात्र जो हमारे जेई साहब हैं बुटोला जी, उनके द्वारा एक घोषणा जरूर आई थी उस समय, उसके बाद कोई घोषणा नहीं आई है। हालांकि मैं निवेदन करना चाहूंगा बुटोला जी से कि कुछ ना कुछ अपने गेंदबाजों पे भी आप विश्वास जताएं जो विकेट ले रहे हैं, और उन पर कुछ घोषणाएं तो जरूर रखें आप। लोकल हीरोज होने के नाते सलियाना को इतने ऑफर आए थे, लगभग 20,000-25,000 के पार घोषणाएं चले गई थी। राजस्थान
अरे क्या बोलना दुबई से सलाह। फिलहाल गेंदबाज तैयार, एफसीसी के अर्जुन की टीम तैयार रहे, बिल्कुल आप तैयार रहे अपनी वेशभूषा में, आपको तुरंत मैदान पे उतरना होगा। इसके बाद गेंदबाज इस समय हैं, इसके बाद का मैच देहरादून वर्सेस रामनगर का होगा क्योंकि खिलाड़ी दोनों भाग गए। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार हल्के हाथों से धकेला और इसे यहाँ पर एक रन जरूर मिला। बेहतरीन फील्डिंग का नजारा पेश करते हैं, एक और रन आता हुआ टीम के खाते में, टीम का कुल योग जा पहुंचा है 69 रन। ये गेंद खिलाड़ी मौजूद है वहां पे, मात्र एक रन ही मिलेगा। बेहतरीन फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी हो रही है और सटीक थ्रो इस समय देखने को मिला है, हालांकि एक रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। फिलहाल गेंदबाज आए और इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जब खिलाड़ी मौजूद है वहां पे लॉन्ग ऑफ पे, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लॉन्ग ऑफ पे एक रन मिलता हुआ, एक रन से बढ़ता इसको 70 रन जा पहुंचा, 71 रन जा पहुंचा है। चार खिलाड़ी के नुकसान थी, ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार नजदीकी रन जरूर चुराया यहाँ पर, और बड़े आनंद लेते हुए बल्लेबाज ने रन पूरा किया निर्भय होकर के, कोई डर नहीं, उन्हें पता है कोई नजदीकी खिलाड़ी है नहीं, इसलिए एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन। अभी भी 100 रन दूर हैं, 101 रन दूर हैं और गेंदें बची हैं मात्र 13। ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार ओवर समाप्त होता हुआ पारी का 10वां, और प्रकंडे एकादश के टीम कप्तान से हमारा निवेदन है कि कृपया आप अपनी नामावली हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दें कमेटी तक, और एफसीसी के जो कोच हैं इंदर सिंह उनसे भी निवेदन है, दुबई से लाइव दिख रहे हैं इंदर सिंह टूर्नामेंट को, क्या इंदर सिंह राव जी समय भी जुड़े हैं हमारे साथ ऑनलाइन? सूरवीर चौहान आए हैं पारी का 11वां ओवर लेकर, तो दोनों टीमें तैयार रहे, हाई वोल्टेज मुकाबला इसके बाद होने जा रहा है। ये सूरवीर आए, ये गेंद इस गेंद को खेला, बेहतरीन ढंग से खेला है, मिस फील्ड हुआ गेंद, बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। मिस्टर सत्य प्रकाश, हालांकि अपने आपको कोस रहे हैं, आपको नमस्कार, मिस्टेक हो गया है, गलती हो गई है, जहां एक रन नहीं मिलना चाहिए था वहां 4 रन मिले, 76 रन जा पहुंचा टीम का कुलयोग, इस बार बेहतरीन गेंद। इसके बाद के जो मुकाबला है वो एफसीसी वर्सेस, तो मेरा दोनों टीमों के कप्तानों से निवेदन है एफसीसी और खनियाल क्लब से कि वो आए और अपने शपथ पत्र में साइन करके आगे कार्रवाई को जारी रखें। ये गेंद बेहतरीन गेंद, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला इस गेंद को, जब तक कि रन बनाने की कोई मंशा नहीं यहाँ पर बल्लेबाजों की। भाई साहब प्रणाम, और इसके बाद का मैच जरूर देखेगा आप, देहरादून और रामनगर का है, दोनों ही टीमों में भारतीय खिलाड़ी हैं और बहुत रोमांचकारी मुकाबला होगा, और ये मैच तो विद्युत विभाग जीत गई है। ये गेंद अच्छी गेंद, विद्युत विभाग ने पहले खेलकर 173 रन बनाए और उसका पीछा करने से 100 रन भी नहीं बना पाई है, इसके बाद का जो मुकाबला होगा लोकल है, अच्छा खेल रहे हैं, यूं समझिए आपकी श्रीनगर और रामनगर के बीच खेला जाएगा, सीधे सीधे शब्दों में ये बोले। देहरादून बेहतरीन गेंद, एक और संदीप पंजी, सबसे बढ़िया बात तो यह है कि जो 1 लाख रुपए की जो इनामी राशि रखी गई है और उसके पीछे सब पड़े हुए हैं कि मैं ले जाऊंगा 1 लाख, लेकिन देखना होगा कौन ले जाएगा 1 लाख। लख तकिया
एक बार टाटा ने एक गाड़ी निकाली थी लखटकिया कि 1,00,000 में हम कार देंगे, घर घर कार पहुंचेगी, लेकिन वो सपना साकार नहीं हो पाया टाटा का। सुनील भाई का बीजी शेड्यूल होने के चलते में फाइनल मैच में तक आएंगे। लखटकिया कार उसको कहा गया था। 6 गेंद और 97 रन। यू कहे कि गैरसैंण से रामनगर पैदल जाने के बराबर है। फिलहाल तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज। जब से सुनील राज जी एसडीएम बने उनका कार्य बढ़ गया है, तो नहीं कही जाएगी वाइट गेंद का इशारा आता हुआ, जिम्मेदारी बढ़ गई। पहले जमाने में जब जाते थे ना लोग नमक लेने के लिए, एसडीएम बनने के बाद थोड़ा बीजी लेने के लिए तो कई पड़ाव पार करते थे। संतोष है गेंदबाजी में, लाल गेंदबाज आए, पंकज आए हैं, सत्य प्रकाश गौर जी केंद्रीय कार्यालय दिल्ली से, बीजेपी के कार्यालय से ये मुकाबला देख रहे हैं ऑनलाइन। बड़ी गुड गेंद थी इस बार, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास रन बनाने का। तो मैं पड़ाव की बात कर रहा था, तो जो भी जब नमक और गुड़ की बहुत आवश्यकता पड़ती थी तो कई पड़ाव पार करने के बाद नमक और गुड़ लेने के लिए रामनगर जाया करते थे हमारे बुजुर्ग। और बेहतरीन गेंद, एक और, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हालांकि बुटोला जी ने कोई घोषणा नहीं की है अब तक हमारे कमेंट्री बॉक्स के लिए। आशा करता हूं कि थोड़ी देर के बाद क्या पता कॉल संभव हो सकती है। हालांकि मजबूत पकड़ उनकी टीम की समय समय मैच में चल रही है यूपीसीएल की। मात्र 2 गेंदों का खेल शेष रह चुका है अब। आज के जमाने में दिल्ली दूर नहीं, चंद घंटों में दिल्ली का सफर तय कर रहे हैं हमारे यहाँ लोकल लोग। ये का चांस आया, गवाया। अठहत्तर रन टीम का कुल, एक बॉल। अंतिम गेंद फेंकी जानी शेष है। अच्छी गेंद थी इस बार, थर्ड बिन की दिशा में गेंद जा रही है और 1 रन जरूर मिला। 69 रन बनाए हैं, 89 रन बनाए हैं। तो माँ उल्का देवी सल्याणा ये मुकाबला हार चुकी है और इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, अगले दौर में प्रवेश किया है यहाँ पर यूपीसीएल ने, विद्युत विभाग ने। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा एफसीसी वर्सेज हनियाल स्पोर्ट्स क्लब, आज के मैच के मैच है वो विमल के नाम जाता हुआ, जबरदस्त बल्लेबाजी विमल के द्वारा देखने को मिली थी यहाँ पे। तो मैं निवेदन करूंगा विमल से कि कृपया आप आए हमारे कमेंट्री बॉक्स में और अपना मैन ऑफ द मैच लेके जाए, जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि सभी लोगों को जी के द्वारा दिया जाएगा। नमस्कार, और तुरंत 10 से 15 मिनट बाद मैच शुरू होगा तो मैं फिर ऑनलाइन अविलंब आए और नेक्स्ट मैच आपको ऑनलाइन दिखाया जाएगा। तब तक मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं। दोनों अंपायरों से निवेदन है कि आप मैदान पे तुरंत पहुंचे, इसके बाद जो हाई वोल्टेज मुकाबला है उसकी कार्रवाई को आप जारी रखें।